Welcome student. Today we are going to discuss about the karyotype of pea plant. So last videos में हमने discuss किया था genetics में Mendelian inheritance में उसका हमने introduction discuss किया था और उसके बाद हमने discuss किया था जो भी basic terms थी related to genetics जो आगे हम Mendel's के laws में use करेंगे. तो वो सब हमने बेसिक जो टर्म्स जो भी थी वो हमने डिटेल में डिस्कस की थी. जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो जाके देखें और फिर उसके बाद ये जो पार्ट है वीडियो का ये देखें. तो स्टार्ट करते हैं कैरियोटाइप ऑफ पी प्लांट. सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरियोटाइप लेट्स वी जस्ट नाउ द पी प्लांट्स क्रोमोसोम नंबर. तो पी प्लांट में हमने डिस्कस किया था कि ये जो पी प्लांट है ये जो मेंडल्स थे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था. इसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया था. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पी प्लांट. ठीक है, तो पी प्लांट के बारे में इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि जो जॉर्ज एंड मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट को अपना एक्सपेरिमेंटल मटीरियल लिया था. ओके, सो जब हम कैरियोटाइप की बात करते हैं तो कैरियोटाइप में हमें इसका जो क्रोमोसोम है इसमें जो पी प्लांट में क्रोमोसोम्स होगा जो इनमें क्रोमोसोम नंबर है वो भी हमें पता होना चाहिए. तो ये ऑलरेडी मैंने आपको जो पी प्लांट के जो एडवांटेजेस थी उनमें मैंने बताया था. ठीक है, तो पी प्लांट की अगर बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 14 होता है. मतलब इसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, 14 क्रोमोसोम. तो मैंने ये भी बताया था आपको कि 14 क्रोमोसोम मतलब ये पी प्लांट्स की क्या है, डिप्लाइड कंडीशन है. तो डिप्लाइड के लिए हम 2n यूज करते हैं. तो 2n इसमें कितना था, 14 था. मतलब पी प्लांट क्या है, इसमें बेसिकली ये डिप्लाइड कंडीशन का प्लांट होता है. डिप्लाइड मींस इसमें जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो बेसिकली पेयर्स में होते हैं. दे आर होमोलॉगस टू ईच अदर. जैसे 14 क्रोमोसोम है तो 14 क्रोमोसोम पेयर्स में होंगे. तो पेयर्स में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 7. तो 7 तो हैप्लॉइड कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे एन. लेट मी रिपीट अगेन. एक्चुअली स्मॉल एन अल्फाबेट यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम. ठीक है, स्मॉल एन जो होता है इसको हम यूज करते हैं क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. जब भी जेनेटिक्स में हम एन स्मॉल एन लिखेंगे तो इट मींस वो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहां पे हमने लिखा 2n. 2 का मतलब हो गया कि इसमें डिप्लाइड कंडीशन होती है. किसकी डिप्लाइड कंडीशन होती है, स्मॉल n है. तो हमें अंडरस्टैंड हुआ कि यहाँ पे क्रोमोसोम की बात हो रही है. तो इसमें जो 14 क्रोमोसोम होते हैं ये डिप्लाइड सेट्स में होते हैं. तो जब ये 14 क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं होमोलॉगस, मतलब ये पेयर बनाते हैं तो ये 7 पेयर बनाते हैं. ठीक है, ओके. तो ओके, सो लेट्स वी डिफाइन द कैरियोटाइप. सो कैरियोटाइप सिंपली वी कैन से दैट इट इज द पिक्चर फॉर्म ऑफ ए क्रोमोसोम. इट इज द पिक्चर फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. तो सिंपली हम कह सकते हैं कैरियोटाइप का मतलब जब हम क्रोमोसोम को एक पिक्चर फॉर्म में लाते हैं, क्रोमोसोम को पिक्चर फॉर्म में लाना, दैट इज द कैरियोटाइप. ठीक है, तो कैरियोटाइप करने के लिए सबसे पहले बेसिकली क्या इसका प्रोसीजर रहता है. जब हम किसी ऑर्गेनिज्म कि क्रोमोसोम का कैरियोटाइप करते हैं तो हम सबसे पहले क्रोमोसोम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म के जो क्रोमोसोम होंगे उनको क्या करेंगे, हम उनको हम आइसोलेट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आइसोलेट द क्रोमोसोम. ठीक है, क्रोमोसोम को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद उनको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे. ठीक है, स्टेन करेंगे. ठीक है, सेकंड स्टेप स्टेन के बाद हम उनको एग्जामाइन करेंगे. एग्जामाइन, तो एग्जामाइन किसके अंडर करेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो what is the procedure of karyotype, in order to study the karyotype of a chromosome of a particular plant, जैसे pea plant में हम karyotype कर रहे हैं chromosome का, तो हम क्या करेंगे, हम chromosome को क्या करेंगे, isolate करेंगे. पहले first of all हम chromosome को isolate करेंगे, second हम उनको stain करेंगे and third हम उनको examine करेंगे under the microscope. तो हम उनको basically इस तरह से हम उनको एक picture form में लाएंगे. ठीक है, okay, so now question arises that why we doing the karyotype of a pea plant. हम क्यों basically karyotype कर रहे हैं pea plant का. basically karyotype में हम क्या करते हैं, karyotype में हम chromosome के ऊपर जो genes का location होता है उसको हम determine कर लेते हैं. simply we can say that karyotype जो है, karyotype से हम जो पोजीशन होती है जीन्स की उनको हम क्या करते हैं, उनको हम
लोकेट कर लेते हैं. लेट मी रिपीट अगेन. एक्चुअली ऑल वी नो दैट जीन्स मैंने जैसे मैंने बेसिक टर्म्स में आपको जीन्स का मीनिंग बताया था. व्हाट इज जीन? मैंने बताया था जीन्स इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. जीन बेसिकली वो एक फैक्टर होता है, जिसको मेंडल ने फैक्टर पहले कहा था. एक फैक्टर होता है, जीन्स एक पार्ट होता है क्रोमोसोम का, जो करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. और डिफाइन में मैंने आपको बताया था कि जीन्स जो है बेसिकली ये सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. तो और जीन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. जीन्स कहाँ पे होते हैं? जैसे लेट्स सपोज हियर इज वन क्रोमोसोम, जैसे ये कोई एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जो जीन्स होंगे बेसिकली दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स. ठीक है. इस तरह से ये जो जीन्स होंगे वो लोकेट होंगे. सो इन ऑर्डर टू स्टडी द पोजिशन ऑफ ए जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, एक जीन्स की पोजीशन को डिटरमाइन करना. ठीक है. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, तो हम क्या करते हैं? कैरियोटाइप करते हैं. तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? कैरियोटाइप करते हैं. ठीक है. ओके. सो तो पी प्लांट में कैरियोटाइप जो है, पी प्लांट में कैरियोटाइप बेसिकली ये कैरियोटाइप जो है ये दिया था एस ब्लिक्स्ट नाम के साइंटिस्ट थे. एस ब्लिक्स्ट, तो एस ब्लिक्स्ट नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेसिकली पी प्लांट का क्या किया था? कैरियोटाइप. ठीक है. इन्होंने पी प्लांट के ऊपर कैरियोटाइप किया था. एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो है ये मेंडल का है. और अगर कैरियोटाइप की बात आएगी तो कैरियोटाइप किसने किया था? एस ब्लिक्स्ट ने किया था. ठीक है. तो इन्होंने कैरियोटाइप किया था. और पी प्लांट में जो क्रोमोसोम्स थे, जो 7 पेयर थे क्रोमोसोम के, उन 7 के 7 क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स की पोजीशन थी उन्होंने ये डिटरमाइन की थी. ठीक है. सो नाउ लेट्स ओके. सो कैरियोटाइप में हमने डिस्कस किया था कि कैरियोटाइप में जो है हम पोजीशन जीन्स की जो है डिटरमाइन करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर. तो एस ब्लिक्स्ट नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेसिकली पी प्लांट के जो क्रोमोसोम्स थे उनका क्या किया था? कैरियोटाइप किया था. तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्रोमोसोम में 7 पेयर्स जो है पी प्लांट में होते हैं क्रोमोसोम के, तो उसमें 7 के 7 क्रोमोसोम जहाँ पे मैंने आपको उनका कैरियोटाइप जो बेसिकली एस ब्लिक्स्ट के द्वारा किया गया था वो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 6 एंड क्रोमोसोम नंबर 7. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 7 के 7 जो क्रोमोसोम्स थे उनको एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और उनके ऊपर जो जीन्स की पोजीशन थी उनको भी डिटरमाइन किया. जीन्स की पोजीशन का मतलब कि कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है वो बेसिकली उन्होंने वहां पे रिप्रेजेंट किया, उसके बारे में बेसिकली उन्होंने बताया. ठीक है. तो यहाँ पे अब पी प्लांट में जैसे जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे उन करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जो जीन्स थे वो बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सा करेक्टर वाला जीन जो है कौन से क्रोमोसोम पे है. ठीक है. तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम नंबर 1. तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो था इस पे 2 जीन्स जो थे वो बैठे हुए थे, मतलब 2 जीन्स जो है यहाँ पे इनमें प्रेजेंट थे क्रोमोसोम नंबर 1 में. सीड कलर और फ्लावर कलर वाला जो जीन था, मीन्स सीड में जो कलर था, सीड कलर को रिप्रेजेंट करने वाले जो जीन्स थे वो कहाँ थे? क्रोमोसोम नंबर 1 पे थे. ठीक है. और क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक और कलर जीन था जो फ्लावर के कलर को रिप्रेजेंट करता था. ठीक है. तो ये बेसिकली आपको याद रखना है. ये कैरियोटाइप इसलिए मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो है ये कैरियोटाइप पे आ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये आपको एक बार बेसिकली इसका क्या करना है, ओवरव्यू करना है, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा. ठीक है. तो क्रोमोसोम नंबर अगर 2 की बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर 2 जो है इस पे कोई भी जो जीन्स था वो नहीं था. क्रोमोसोम नंबर 2 पे जीन्स नहीं था. ठीक है. क्रोमोसोम नंबर 3 जो है इस पे भी कोई जीन्स नहीं था. तो क्रोमोसोम नंबर 4 जो है इस पे सबसे ज्यादा जो है जीन्स यहाँ पे प्लेस थे. तो जैसे हम बात करें हाइट की, तो हाइट प्लांट में, हाइट प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, तो बेसिकली वो जो जीन है प्लांट को टॉल करने वाला, जैसे मैंने कहा था कि प्लांट में मैंने जीनोटाइप एक बताया था टीईटी. ठीक है. टीईटी इज द जीनोटाइप है, एक जीन है जो टॉलनेस प्लांट में रिप्रेजेंट करता था. तो बेसिकली वो जो टॉलनेस वाला जीन था जो हाइट को रिप्रेजेंट करता है वो कहां था? क्रोमोसोम नंबर 4 पे. ठीक है. और
पॉड की शेप को, पॉड मतलब जिसको हमने कहा था फली, जिसके बीच से आप निकालते हो, ठीक है, मटर निकालते हो, जो फ्रूट है वो जो पॉड शेप है उसको डिटरमाइन करने वाला जो जीन है वो भी कहां पे बैठा हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे, ठीक है। और फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर टर्मिनल है या फ्लावर एक्सिलरी है, ये मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स में मैंने आपको बताया हुआ है। जिन बच्चों ने ये करेक्टर नहीं डिस्कस किए हुए, जिनको नहीं, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी, वो बच्चे वहां पे जाके देखें और उसके बाद ये वाला पार्ट देखें, ठीक है। तो ये जो जीन थे, हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला जीन, पॉड शेप को रिप्रेजेंट करने वाला जीन, फ्लावर पोजिशन को रिप्रेजेंट करने वाला जीन जो था ये क्रोमोसोम नंबर 4 पे था, ठीक है। तो इस पे हम समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आपको और बेटर समझ आ रहा है कि कैरियोटाइप का मतलब क्या है। कैरियोटाइप का मतलब है जब हमने क्रोमोसोम को एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स की पोजीशन है वो भी हमें इससे पता चल गई, ठीक है। तो बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर 5 की। क्रोमोसोम नंबर 5 पे एक ही जीन था जो पॉड के कलर को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। कलर में स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, कलर में हमने फ्लावर कलर पढ़ा था, फ्लावर कलर वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे था, ठीक है, ओके। और पॉड के कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जीन कहां पे है, क्रोमोसोम नंबर 5 पे है। और क्रोमोसोम नंबर 6 की बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर 6 पे कोई भी जीन्स नहीं लोकेट था। और क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर जो 7 था इस पे एक ही जीन था जो सीड की शेप को रिप्रेजेंट करता था। तो सीड शेप में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में सीड शेप एक कैरेक्टर था। सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड शेप थी, तो बेसिकली सीड की शेप को डिटरमाइन करने वाला जीन कहां पे है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, ठीक है, ओके। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कैरियोटाइप ऑफ पी प्लांट। तो स्टूडेंट, कैरियोटाइप ऑफ पी प्लांट में मैंने जैसे आपको बताया था कि कैरियोटाइप से हम जो जीन्स की पोजीशन होती है उनको हम डिटरमाइन कर लेते हैं ऑन दी क्रोमोसोम, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करवाई, कैरियोटाइप में जो 7 क्रोमोसोम्स थे पी प्लांट में उनका बिल्कुल जो एक पिक्चर फॉर्म थी क्रोमोसोम की वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवाई। और उस पे जितने भी जो 7 पेयर थे कंट्रास्टिंग करेक्टर के, वहां पे स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना कि जो वहां पे मैंने जीन्स की पोजीशन आपको बताई है, बेसिकली वो जो करेक्टर वहां पे मैंने आपको बताए, वहां पे जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी कंट्रास्टिंग करेक्टर थे पी प्लांट में, जो मेंडल साहब ने कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, उन करेक्टर के रेफरेंस में मैंने आपको जीन्स की पोजीशन बताई। मतलब वो जो 7 पेयर थे कंट्रास्टिंग करेक्टर के, वो करेक्टर, उन करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स जो है कौन कौन से क्रोमोसोम पे थे, वो चीज मैंने आपको डिस्करवाई थी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 7 जो पेयर थे कंट्रास्टिंग करेक्टर के, उन करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स को हमने वहां पे उनकी लोकेशन जो है वो कैरियोटाइप से वहां पे डिटरमाइन हुई थी। और कैरियोटाइप जो था पी प्लांट का वो दिया था किसने, एस ब्लिक्स्ट ने, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेंडेलियन पोस्टुलेट्स। तो स्टूडेंट्स, जो जॉर्ज और मेंडल थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था पी प्लांट पे, तो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, मतलब उन्होंने लॉज दिए थे जो लॉज आज भी जो है वो यूज होते हैं। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे कुछ 4 लॉज दिए थे, मतलब जिनको पोस्टुलेट्स कहा गया, ठीक है। तो फर्स्ट उन्होंने कहा था कि करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई ए पेयर फैक्टर यूनिट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी करेक्टर है उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, एक फैक्टर होता है जो पेयर्ड फॉर्म में होता है। तो ये भी आपको मैंने बताया है कि जीन्स को सबसे पहले फैक्टर का नाम दिया गया, मतलब मेंडल साहब जो थे उन्होंने जीन्स को फैक्टर का नाम दिया था, उन्होंने जीन्स को फैक्टर कहा था। और उन्होंने अपने पास्टुलेट्स में ये कहा था कि कोई भी करेक्टर जो है वो कंट्रोल्ड किसके द्वारा होता है, फैक्टर के द्वारा होता है, ठीक है, मतलब जीन्स के द्वारा ही होता है और वो पेयर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर एंड राइट इट डाउन दैट genes are always present in dimeric form, means genes, each gene has two allele, तो हर एक जीन के जो है 2 allele होते हैं, चाहे जीन होमोजाइगस हो या हेटरोजाइगस हो, तो हमेशा जीन जो होता है वो डाई एलिलिक फॉर्म में होता है, मतलब एक जीन के
दो एलील होते हैं, ठीक है। तो ये होमोजाइगस और हेटरोजाइगस मैंने आपको करवाया था। होमोजाइगस मतलब जब एक जीन के दोनों एलील सेम टाइप के होते हैं, ठीक है, तो ये होमोजाइगस है। तो जब एक जीन के दोनों एलील डिफरेंट टाइप के हों तो वो हेटरोजाइगस है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि चाहे चाहे जीन होमोजाइगस है या फिर हेटरोजाइगस है, तो जीन जो है उसका मतलब उसमें दो एलील्स होंगे, हर एक जीन जो है उसमें टू कॉपीज होंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया हमारा, ये हमें क्लियर हो गया कि कोई भी कंट्रोल जो है, कोई भी करेक्टर जो है कंट्रोल्ड बाय पेयर फैक्टर यूनिट, ठीक है। तो पेयर फैक्टर, तो फैक्टर ऑलरेडी मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि फैक्टर, तो ये एक जो टी है, जैसे ये एक टी है, ये एक टी है, तो ये एक टी एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टी है, टू टी है, मतलब ये दो फैक्टर है। तो फैक्टर हमेशा क्या है, पेयर में है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे एक होमोजाइगस फॉर्म है जीन की, ठीक है, तो ये होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस फॉर्म में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दो एलील है, ये दोनों क्या है, ये दोनों डोमिनेंट है, तो ये दोनों एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये प्लांट जो है क्या बन जाएगा, मतलब टॉलनेस, टॉलनेस को, टॉलनेस करेक्टर वाला ये जीन है तो प्लांट को टॉल करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे इस तरह का जीन है, मतलब हेटरोजाइगस फॉर्म है जीन की, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है, मतलब एक डोमिनेंट है, तो ये करेक्टर भी जो है बेसिकली क्या होगा, ये भी जो एलील है ये एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो डोमिनेंट फॉर्म होती है वो एक्सप्रेस हो जाती है, डोमिनेंट फॉर्म एक्सप्रेस इवन इन एब्सेंस ऑफ ए रिसेसिव एलील। तो चाहे रिसेसिव एलील उसके पास है, डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस करेगा। और सेकंड बात जो उन्होंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बोली थी, उन्होंने कहा कि एफ वन जेनरेशन में, मतलब पेरेंट्स होंगे, फर्स्ट पेरेंट मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों में क्रॉस होगी, F1 जनरेशन जो होगी, F1 जनरेशन में ऑलवेज जो है वो क्या होगा, ऑलवेज वहां पे जो F1 जनरेशन आएगी उसमें करेक्टर क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, मतलब उसमें डोमिनेंट करेक्टर होगा, उसमें करेक्टर डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो आगे चल के हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे लॉज में कि जब F1 जनरेशन बनेगी तो ऑलवेज F1 जनरेशन में जो भी आगे प्लांट्स आएंगे, जो जनरेशन आएगी, उनमें डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस होगा, ठीक है, रिसेसिव वहां पे नहीं होगा। तो रिसेसिव कब होगा वो हम सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड आ गया सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे मतलब हुआ कि देखो, उन्होंने कहा कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है, तो उन्होंने कहा जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो जो जो फैक्टर है, मतलब जो जीन है पेयर्ड फॉर्म में, वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। सो लिसन केयरफुली, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस फैक्टर सेग्रीगेट, मीन्स गैमीट्स रिसीव ओनली सिंगल कॉपी ऑफ ए जीन। गैमीट्स जो है वो रिसीव करते हैं सिंगल कॉपी ऑफ ए जीन। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे एक डोमिनेंट फॉर्म का पेरेंट है और एक रिसेसिव फॉर्म का पेरेंट है, ठीक है। तो ये आ गया पेरेंट वन, पी वन, और ये पेरेंट टू, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों में क्या होगा, इनमें क्रॉस ओवर हो रही है, तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा। तो इनके जो गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, देयर गैमेट्स रिसीव सिंगल कॉपी ऑफ ए जीन, ठीक है। तो इनके जो गैमेट्स होंगे, इनके गैमेट्स मतलब ऑल गैमेट्स जो है रिसीव करते हैं सिंगल कॉपी ऑफ ए जीन। तो यहाँ पे ये जीन है कंप्लीट जिसके दो एलील्स होते हैं, तो जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में एक एलील आएगा, मतलब एक कॉपी जीन की आती है, ठीक है। तो इनमें फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे F1 जनरेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में यहाँ पे क्या है, एक डोमिनेंट फॉर्म है एलील की, तो इसलिए यहाँ पे जो है करेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो यही कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात हमने की है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स रिसीव सिंगल कॉपी ऑफ ए जीन, तो इस चीज को इन्होंने नाम दिया, इसके बेस पे ये पॉस्टुलेट्स दिया, सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट फैक्टर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो थर्ड आ गया, सॉरी फोर्थ आ गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट पेयर्ड फैक्टर। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट पेयर्ड फैक्टर, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ इनके नाम से ही पता चल रहा है
डिफरेंट पेयर्ड फैक्टर का असॉर्टमेंट होता है इंडिपेंडेंटली. मतलब देखो, असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेशन और सेग्रीगेशन, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि जब डिफरेंट पेयर्ड फैक्टर का, मतलब डिफरेंट जो जीन्स हैं, जो जीन्स पेयर्ड फॉर्म में हैं, जब उनका सेग्रीगेशन होता है तो वो इंडिपेंडेंटली होता है, मतलब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है. एक जीन का सेग्रीगेशन दूसरे जीन के ऊपर, दूसरे जीन के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता. लेट्स सपोज जैसे ये टू क्या है, ये दो जीन है, मतलब ये एक पेयर्ड, ये दो पेयर्ड फैक्टर यूनिट है. ये एक पेयर्ड फैक्टर है, मतलब ये एक जीन है और ये दूसरा जीन है. तो दोनों में सेग्रीगेशन जो हो रहा है वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंटली नहीं है. इसका सेग्रीगेशन इस जीन के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, जो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगी, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस होगी. तो स्टूडेंट एक चीज आपको मैं और क्लियर कर दूं कि सीक्वेंस में अब हम आगे जो है डिस्कस करेंगे, इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैं आपको जो भी उनके फिनोटिपिक रिजल्ट होंगे, जीनोटिपिक रिजल्ट होंगे, उनमें हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, ठीक है. तो इनकी जो रेशोज रहेंगी वो सारी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे एग्जाम में आपको आएंगे. और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा. फिर आगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस में सेम हम ये लॉज जो है, जो लॉज उन्होंने दिए, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे. फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी हम डिस्कस करेंगे आगे जो उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है. तो देन उसके बाद हम आगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिस्कस करेंगे. जिन बच्चों ने मेरे लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखे वो बच्चे जाके वहां देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें, ताकि इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में. थैंक यू.